पंजाब चो भीड़ तंत्र नहीं बनया तो इस करके पंजाब की पुलिस उस तरीके कमनल भी नहीं हुई। सिखा ने सिखा भी मारे जिन्हें मूवमेंट सी उस बहुते सिख अफसर सी जिन्होंने सिख नौजवानों का कतल किया झूठे मुकाबले बनाए। कहना है किसान याद सिख याद रखन 47 के दंगों ते 84 के दंगों कौन कहना 84 च दंगे हुए सी पंजाब कोई दंगा होया नहीं तो बाहर जिहड़ा सी दंगे नहीं सीगे वह कतलेआम सी पंजाब तो कोई कतलेआम भी नहीं होया। जे सिख कतलेआम करना चाहते वह गल वक्री है भी बाद च आर्मी जो मर्जी कर दी तो फिर हिंदू नहीं बचना सी उहदे कोई। 31 तरीक नूं मैं पटियाले जा रहा सी ते पंजाबी यूनिवर्सिटी कोले बस रुकी सवेरे 10-11 बजे की गल होएगी तो बंदा उतरिया उन्हें बस तेजी नाल चलाई दो जी की बुक्कल मारी मार रहा सी कहना हुण तां तुहाडी माँ भी मारती हुण तां हौली चला लो। मेरे इमीजिएटली दिमाग च आया भी ये जां तां मकबूल बट दे बंदे ने मारी है जां खालिस्तानियों ने मारी है क्योंकि दो ही तरीके से मरवाण दे। बहुत जानकारी भरपूर अखी देखा हाल रावत बेदी जी ने दसिया है। मैं भी इन्होंने गुरप्रीत जी सिंह जी ने भी दसिया है जसपाल सिद्धू जी ने भी उस वेले का मैं भी हाँ मैं भी 31 तरीक नूं मैं पटियाले जा रहा सी ते पंजाबी यूनिवर्सिटी को बस रुकी सवेरे 10-11 बजे की गल होएगी तो बंदा उतरिया उन्हें बस तेजी नाल चलाई दो जी की बुक्कल मारी मार रहा सी कहना हुण तां तुहाडी माँ भी मारती हुण तां हौली चला लो। मैनू नहीं पता सी उदों तक इंदिरा गांधी मैं पिछे देखिया कहिंदे इंदिरा गांधी मारती। मेरे इमीजिएटली दिमाग च आया भी ये जां तां मकबूल बट दे बंदे ने मारी है जां खालिस्तानियों ने मारी है क्योंकि दो ही तरीके से मरवाण दे होर कितें है ही जी है नहीं सी मूवमेंट। तो मैं उत्थे गया जिस मरीज़ नूं मिलना सी वो कहना वो तो उन्हें मारी है बेंत सिंह ने। वो बेंत सिंह इतने शमशेर सिंह एक जज होंदे सी उन्हां भरा सी उन्हां नूं असीं शमशेर सिंह जानदे सका भरा सी उन्हां दा वड्डा भरा। सो ये जिहड़ी गल है ना ये सही मैनू लग्या राहुल बेदी जी की भी तो जसपाल सिंह की भी साढ़े कम्यूनलिज्म व्यक्ति सारे पास चंगे होंगे ने सवाल यह जो स्टेट ना रलती है वो कतलेआम करती है तो बहुत सारे बंदे ज चेतन नहीं होंगे उन्हों दंगे कहते हैं। ये कतलेआम सी और कतलेआम भी स्टेट ने कराया सी गुंडा नूं ऑर्गेनाइज करके ते जे सिखां कोल हथियार सी तो उन्हों निहत्थे कराया गया। ये गल नूं मनना हाँ उहदे विच जिहड़ा सी भीड़ तंत्र वो बनाया गया पंजाब चो भीड़ तंत्र नहीं बनया तो इस करके पंजाब की पुलिस उस तरीके कमनल भी नहीं हुई सिखा ने सिखा भी मारे जिन्हें मूवमेंट सी उस बहुते सिख अफसर सी जिन्हों ने सिख नौजवानों का कतल किया झूठे मुकाबले बनाए। उस समझ लो भी सिखी का एक आपदा भावना हो सकती है 100 गल हो सकती ने मैं नहीं पता उन्होंने तरक्की की गल पर जी हूँ गल करी जा रही है भी फुलका साहब आ कह रहे हैं जी लालपुर आए कह रहे हैं अज इंडियन स्टेट की लोड़ है कि सिखा भड़काया जाए सिखा खड़े करा जाए 2 साल वास्ते क्योंकि हूँ चोण आ रही है 24 की। ये सारे बीजेपी के बंदे ने बीजेपी के नाल रल के भी आ रखो थोड़ा ऐं करिया अमृतपाल होरां का डंका पूरा वजे मुड़ के 84 वरताउण दा इको तरीका पहला भड़काओ पूरा गलम कर दो थोड़े तुसीं बंदे नहीं रहे तुसीं आ नहीं रहे। सो इस करके इन्हां नूं पुछो भी मोदी साहब पार्लीमेंट के माफ़ी क्यों नहीं मांगते सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने हो उदों जिहड़ा मर्जी प्राइम मिनिस्टर होवे सरकार रली हुई सी वो क्यों नहीं माफ़ी मांगते लोकसभा तो राज्यसभा दे विच कि असी शर्मसार हाँ कि उदों सरकार ने रल के सिख जिहड़ी एड्डी बहादुर कौम है कतलेआम कराया मंगन माफ़ी उदों तो रोक दिंदे ने आ किसान अंदोलन वेले उन्होंने कहा पढ़ लो तुसीं वो तो रिकॉर्ड हुंदा सारा सदन दे विच कहना है किसान याद सिख याद रखन 47 के दंगों ते 84 के दंगों कौन कहिंदा 84 च दंगे हुए सी
पंजाब च कोई दंगा होया नहीं, तो बाहर जोड़ा से दंगे नहीं सी, वो कतलेआम से, पंजाब तो कोई कतलेआम भी नहीं होया। जे सिख कतलेआम करना चाहते वो गल वक्री है, भी बाद आर्मी जो मर्जी कर दी तो फिर हिंदू नहीं बचना सी कोई। सो पंजाब कतलेआम होया नहीं, बाहर कतलेआम होया उन्हें फिर भी दंगे कहा जा रहा है। ये उत्ते असी उन्हें कंसनट्रेट नहीं कर रहे। 38 साल हो गए, सजावां नहीं दित्तियां गईयां। आज राहुल बेदी जी दस की गए ने 2713 बंदे ने कतल, एक बंदे के कतल च पांच बंदे फांसियां होंदियां देखियां ने। तुसीं दित्तियां क्योंकि हुण तुसीं सानूं अज इह चेतन रहना पऊगा कि जिहड़ी भारतीय स्टेट है उन्हें क्योंकि सारा कुछ बेचता, उन्हें को है कुछ नहीं, वो हुण स्टेट नूं स्टेट जिहड़ी है वो टैररिस्ट बनती जा टैररिज्म करेगी, उन्हें विच आप नहीं करेगी, लोगों तो करवाएगी, कम्युनिटीज़ नूं एक दूजे के खिलाफ खड़ा करेगी, हिंदुओं नूं कहेगी थोड़ा पास्ट बड़ा चंगा सी, ते सिखां नूं कहेगी थोड़ा ज्याती बड़ी हुई है, पहला मुसलमानों को कुटेंगे, जिमें राहुल बेदी जी कह के गए, ये अपने कह के गए ने गुरप्रीत जी भी फिर कहने वाला कोई नहीं सी। तो गल जी सानू सोचनी पेगी। मेरी इन्नी बेनती है भी अपना सारे ये गल तो चेतन रहिए कि अज इंडियन स्टेट अपने अपने बंदियां दे रही अपना बुकल लपेट के साडे हमदर्द बन के आके सानू ये दसन की कोशिश कर रही है भी हुण खड़े हो जाओ ताकि दोबारा टुट जाइए। हुण फिर 36 साल हो चुके ने, हर 36 साल बाद कुछ ना कुछ, 47 तो पहला 36 हुण फिर 36, तो इस तो असीं थोड़ा जिहा ध्यान रखिए, आपदी लड़ाई लड़िए। इस गल नूं उम्मीद नूं कि फुलका साहब ये करनगे जां लाड़पुरा ये करनगे, मैनूं नहीं लगता भी वह कोई बिना अपने पूरे पाक इरादिआं नाल ही करे। किसी के इरादे ते शंक करना औखा भी है, पर क्योंकि वह तो बुरी सीगे पहिलां भी सीगे ये, सो इस करके मैनूं शंका है। सानूं पंजाबियों नूं सोचना पएगा कि असीं बच के रहीए। ये कतलेआम की दूजी तैयारी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।